हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की, जो 22 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रही है। सनातन धर्म संस्कृति में एकादशी व्रत को अत्यंत ही पुण्यदायी और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती है। वहीं जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का अलग अलग नाम होता है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोगता है और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार 5000 साल तक तप करने से जो फल मिलता है वही फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी के दिन वैसे तो निर्जला उपवास रखना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो फलाहार करें और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी सहित विशेष पूजा अर्चना करें। पूजा में फल, गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का इस्तेमाल करें। रात्रि को भी भगवान श्री विष्णु के सामने दीप दान करें। इस दिन पूजा के दौरान सफला एकादशी की भी कथा जरूर पढ़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें और व्रत का समापन करें। पारण से पहले ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को अन्नदान जरूर करें। इस तरह आप एकादशी का उत्तम व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। तो ये थी सफला एकादशी की महिमा के बारे में जानकारी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।